बाबा जी की। जय भोले बाबा जी की। हाँ जी सर, ये हेलीकॉप्टर से जुड़ी जानकारी चाहिए, क्योंकि काफी भक्तों के यूट्यूब चैनल पे कमेंट आ रहे हैं कि जो हेलीकॉप्टर से यात्रा करेंगे यात्री, उनको RFID कार्ड बनवाना होता है या वो बिना RFID कार्ड की यात्रा कर सकते हैं? नहीं, बनवाना होता है। जो भी कोई भी यात्री जो भी यात्रा पे जा रहा है, चाहे वो हेलीकॉप्टर से जा रहा है, चाहे पैदल जा रहा है, चाहे घोड़े से जा रहा है, सभी के लिए RFID कार्ड मैंडेटरी है, सभी को बनवाना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है, तो जो भी यात्री यात्रा पे जाएंगे उसके बारे में अभी तक हमारे पास कोई अपडेट नहीं आया कि RFID कार्ड कहाँ पे बनेगा, पर जैसे भी अपडेट आएगा कि RFID कार्ड कहाँ पे बनेगा, क्या क्या रहेगा और क्या क्या उसका प्रोसीजर रहेगा, उस पर हम वीडियो बना के, कम्प्लीट वीडियो बना के शेयर कर देंगे यूट्यूब पर, जिससे कि भक्तों को कोई दिक्कत ना हो। पर ये कन्फर्म है कि जितने भी यात्री यात्रा पे जा रहे हैं, चाहे वो पैदल जा रहे हैं, घोड़े पे जा रहे हैं, या पालकी से जा रहे हैं, या हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, सभी को RFID कार्ड बनवाना जरूरी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑनलाइन तो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते ना? ऑनलाइन के बारे में इसका कोई भी नहीं आया, वहीं पे ऑफलाइन ही बनता है ये, आपके आधार कार्ड को लेके, और आपके अब आधार कार्ड लिंक हो गया, शायद आधार कार्ड से उससे बन जाएगा परमिट से ही ना, पर इसके बारे में कोई अपडेट नहीं आया अभी। अच्छा, ठीक है जी। ठीक है जी, ठीक है। जय भोले बाबा जी की। जय भोले बाबा जी की। जय भोले बाबा जी की।